हेलो फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और फ्रेंड्स, हेरिडिटी और इवोल्यूशन का हमने लास्ट वीडियो में दो पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट था हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज, एंड हमारा सेकेंड पॉइंट था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस लेसन का थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज इवोल्यूशन। और फ्रेंड्स, इवोल्यूशन को स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलो उन क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं। सो कैन यू रिकॉल फ्रेंड्स, क्या आप ये बता सकते हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? फ्रेंड्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ फ्रेंड्स एक अपेंडिक्स पार्ट है। तो उस अपेंडिक्स का फ्रेंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फंक्शन है, क्या आप बता सकते हो? तो ये फ्रेंड्स, ये हम इस लेसन में आगे सीखने वाले हैं। आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड? फ्रेंड्स, हमारा जो विजडम टीथ होता है, जो आपको 17 से 20 इयर्स के बीच आता है, तो क्या वो टीथ फ्रेंड्स आपको च्यूइंग के लिए रियली हेल्प करता है या नहीं? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम इस लेसन के फोर्थ पॉइंट में देखने वाले हैं। देन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? फ्रेंड्स, डायनासोर जैसे बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, यानी खत्म क्यों हो गए? तो इसका आंसर हम इस लेसन के फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे, दैट इज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देन व्हाई आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? और फ्रेंड्स, डायनासोर के साथ साथ ही काफी सारे एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं, यानी अर्थ से खत्म होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज का भी आंसर हम इस लेसन के फिफ्थ पॉइंट में स्टडी करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इवोल्यूशन, एंड लेट अस सी व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज occurring in living organisms over a long duration. Evolution friends, एक slow change है, यानी gradual change, जो living organisms में होता है एक काफी long duration के लिए, यानी काफी एक long timing के लिए। Generally ये timing friends years का होता है, यानी किसी living organisms में changes लाने के लिए हमें years लगते हैं, okay? और उस change को हम friends या उस process को हम बुलाते हैं evolution. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. Evolution अगर आप देखें friends, तो ये काफी एक slow going process है, यानी काफी धीरे धीरे होने वाली process है। और इस slow going process की वजह से organisms की development होती है। All the stages in changes occurred in various components, ranging from star and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. The friends, आप evolution देखें तो evolution में friends changes के जो अलग अलग stage है, उन हर stage में friends काफी सारे अलग अलग components included है। और अगर आपको evolution की study करनी है तो friends star और planet से लेकर earth पे जो biosphere है, आपको उन सबको include करना पड़ेगा, okay? तब जाके फ्रेंड्स आप इवोल्यूशन को इजीली समझ पाओगे। हम फ्रेंड्स, यहाँ बायोस्फीयर का मीनिंग होता है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, देन एटमॉस्फेयर है फ्रेंड्स हमारा, देन हमारा जियोस्फीयर है यानी लैंड, देन फ्रेंड्स लिथोस्फीयर है यानी वाटर। तो सारे स्पीयर्स को फ्रेंड्स एक साथ हम बायोस्फीयर बुलाते हैं, ओके? तो बायोस्फीयर, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सबको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अगर हम इवोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। Formation of new species due to changes in specific characters of several generation of living organisms as a response to the natural selection is called as evolution. Friends, जब कोई नई species form होती है, now जब नई species form होती है, तो ये जो नई species form हुई है, इसके लिए friends किसी एक living organism में उसके कई generations में काफी सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंजेस हुए, और
जिन चेंजेस ने फ्रेंड्स नेचुरल सिलेक्शन को रिस्पांस दिया और जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज फॉर्म हुई, इसे ही हम फ्रेंड्स इवोल्यूशन बुलाते हैं। यानी फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें पहले कुछ चेंज आएगा। वो चेंज फ्रेंड्स अगर एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंड्स बेनिफिशियल है, ओके, तो फ्रेंड्स वो चेंज उसमें रहता है। अदरवाइज फ्रेंड्स वो चेंज पेरिश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें फ्रेंड्स हम डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में देखने वाले हैं। वहां आपको इस लाइन का एक प्रॉपर मीनिंग मिलेगा कि किस तरह नई स्पीशीज फॉर्म होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, सपोज आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। अगेन नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस वो अगेन आगे वाली जनरेशन को पास करते हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंटिन्यू चेंजेस आते रहते हैं और वो चेंजेस वो कंटिन्यूसली नेक्स्ट जनरेशन को पास करते रहते हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स, एंड में हमें कंप्लीटली एक नई स्पीशी मिलती है। बिकॉज फ्रेंड्स, स्टार्ट हमने जिससे किया था उसमें कंटिन्यूसली चेंज होते रहा है, ओके, तो एंड में हमें फ्रेंड्स कंप्लीटली एक नई स्पीशी मिलेगी। सो नई स्पीशीज की फॉर्म होने की जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, उसे ही हम इवोल्यूशन बुलाते हैं, ओके। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। नाउ फ्रेंड्स, आज से करीब 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे फ्रेंड्स लाइफ नहीं थी। एट द बिगनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन ऑन द अर्थ। जब अर्थ फॉर्म हुई होगी तो स्टार्टिंग में अर्थ पे काफी सारे सिंपल एलिमेंट्स होंगे जो अर्थ के ओशन में फ्लोट कर रहे होंगे, एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोस। नाउ सिंपल एलिमेंट से कुछ सिंपल ऑर्गेनिक और कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स may have formed over a long period from these simple compounds. Now see, जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी तो सबसे पहले कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे अर्थ पे। उन सिंपल एलिमेंट्स की मदद से कुछ सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और फिर इन सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड फ्रेंड्स यानी डीएनए और आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले ये फॉर्म हुए होंगे, बट इनके लिए भी काफी एक लॉन्ग पीरियड लगा होगा, यानी काफी ज्यादा टाइम लगा होगा। नाउ अर्थ पे लाइफ कैसे फॉर्म हुई, ये सब आप 12th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको एक पूरा अलग सा लेसन है, ओके। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म्ड from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. जो अर्थ पे सबसे पहली primitive टाइप, primitive यानी सबसे starting वाला टाइप जो होता है वो, तो अर्थ पे सबसे जो primitive टाइप होगा सेल का, यानी सबसे जो starting वाला टाइप होगा सेल का, वो अलग अलग organic और inorganic compounds की मदद से form हुआ होगा। Number of those cells may have increased at the cost of surrounding chemicals. और जब एक सेल बना तो वो सेल फ्रेंड्स हमें पता है कि एवरी न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। कोई भी फ्रेंड्स नया सेल उससे पहले जो सेल है उसकी वजह से आता है। तो जब अर्थ पे एक सेल बना होगा तो सेल फ्रेंड्स डिवाइड होने लगा होगा, ओके, और डिवाइड होने के लिए उसके आसपास जो सराउंडिंग केमिकल्स है वो सराउंडिंग केमिकल्स उसने यूज किए होंगे। There may had been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some many have shown good growth, and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. अभी जब हमारा पहला सेल डिवाइड हो रहा था तो सेल डिविजन के वक्त कुछ सेल्स में कुछ डिफरेंसेस आए होंगे, और ये सारे डिफरेंसेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। नाउ इनमें से जो चेंजेस सराउंडिंग को फ्रेंड्स सराउंडिंग के साथ फ्रेंड्स एडजस्ट हो रहे थे, उन्होंने गुड ग्रोथ शो की, यानी अच्छी ग्रोथ शो की। बट ऐसे चेंजेस जो फ्रेंड्स सराउंडिंग के साथ इतने मैच नहीं कर रहे थे,
वो पेरिश हो गए यानी खत्म हो गए। ये हमेशा याद रखो कि नेचर में वही चेंजेस रहते हैं जो नेचर के साथ एडजस्ट हो पाएंगे, यानी जो नेचर के लिए काफी बेनिफिशियल है। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा चेंज आता है जिस चेंज की वजह से वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, देन फ्रेंड्स वो ऑर्गेनिज्म पेरिश हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बुलाते हैं। इसे हम इस लेसन के फिफ्थ पॉइंट में और भी डिटेल में सीखेंगे। एट प्रेजेंट करोड़ ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिविटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नाउ इस प्रेजेंट वक्त, इस प्रेजेंट टाइमिंग में अर्थ पे अगर आप देखें तो करोड़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज है जिनमें काफी सारी अलग अलग वराइटी है, यानी उनका शेप, उनकी कॉम्प्लेक्स, उनकी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिविटी, उनमें अगर आप देखें तो काफी सारे वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे। ओके, दैट इज डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्यूलर अमीबा एंड पैरामोशियम टू मैन एंड जायंट फिश। अगर आप एनिमल्स में डाइवर्सिटी की बात करें तो एनिमल्स रेंज करते हैं फ्रेंड्स एक यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामोशियम से मैन और जायंट व्हेल तक। यानी एनिमल्स में अगर आप देखें तो काफी सारे वेरिएशन है, बिकॉज अगर आप एक यूनिसेलुलर अमीबा का स्ट्रक्चर देखें तो वो काफी सिंपल है, बट जब आप मैन और एक जायंट व्हेल का स्ट्रक्चर देखने लगेंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कोलेरा टू ह्यूज बनियान ट्री। प्लांट्स में भी सेम है, उनमें भी सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर एक यूनिसेलुलर कोलेरा का होता है, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक बड़ा सा बनियान ट्री है प्लांट्स में। दोनों के स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें या शेप्स देखें तो उनमें काफी सारी वैरायटी है। ओके, दैट इज डाइवर्सिटी। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। अर्थ पे लाइफ सब जगह है, इक्वेटर से पोल्स तक। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एक्सेट्रा। और ऑर्गेनिजम्स भी सब जगह प्रेजेंट है, यानी ऑर्गेनिजम्स एयर में भी हैं, वाटर में भी हैं, लेक में भी हैं, देन रॉक्स पे भी रहते हैं। ओके, ह्यूमंस हैज शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द रीजन फॉर विच सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशियंट पीरियड। नाउ फ्रेंड्स ह्यूमंस ने यानी हमने हमें फ्रेंड्स हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही कि अर्थ पे सबसे पहले लाइफ कैसे आई, देन अर्थ पे आज जो हम इतने अलग अलग एनिमल्स देखते हैं उनकी वैरायटी कैसे है फ्रेंड्स अर्थ पे। ये हमें एंशियंट टाइम से ये क्वेश्चन रहा है जिस पे साइंटिस्ट फ्रेंड्स अब तक वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट थेरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैज बीन प्रपोज टिल टूडे, ऑफ विच थेरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड। नाउ फ्रेंड्स आज तक ओरिजिन अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ और उस लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ उस पर फ्रेंड्स कई सारी थेरी ऑलरेडी बनाई जा चुकी है और आज तक बन रही है, पर इन सब में से जो थेरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड की गई कि अर्थ पे जब पहली लाइफ बनी तो उसमें धीरे 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 चेंजेस आते गए और जिन चेंजेस की वजह से अलग 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 एनिमल्स फॉर्म होते रहे या अलग अलग प्लांट्स फॉर्म होते रहे। ये है फ्रेंड्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की थे। ओके, और यही फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में भी दिया गया है। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सी इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई है वो अभी हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म हैव बीन फॉर्म इन ओशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला लिविंग मटेरियल है वो ओशन में बना होगा जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बुलाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म्ड। सी फ्रेंड्स यहां सिर्फ एक प्रोटोप्लाज्म बना होगा। ओके, यानी उसमें जस्ट सेल, पूरा सेल नहीं फ्रेंड्स, बट सेल से ही थोड़ा लेस डेवलप एक स्ट्रक्चर बना होगा जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बुलाएंगे, और धीरे धीरे फ्रेंड्स टाइम के साथ वो कन्वर्ट हो गया पूरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ग्रेजुअली
चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वेयर फॉर्म। और इसी तरह फ्रेंड्स धीरे धीरे उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस होते रहे, जिसकी वजह से बहुत बड़े और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। अगर आप एक बात नोट करें तो अर्थ पे जितने भी लाइफ है वो सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई और उसी ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंज होता रहा, जिसकी वजह से आज अर्थ पे जो हम अलग अलग एनिमल्स देख रहे हैं वो सारे एनिमल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। ये सारे चेंजेस फ्रेंड्स काफी स्लो और एक स्टेप वाइज मैनर में हो रहे थे। ओके, ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। इन सारे साइंटिस्ट फ्रेंड्स ये बताते हैं कि इन सारे चेंजेस को होने के लिए कम से कम 300 करोड़ ईयर्स लगे होंगे, और तब जाके अर्थ पे आज हम जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए होंगे। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस और डेवलपमेंट हुए वो उनमें फ्रेंड्स सब तरह से हुए होंगे, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने। हेंस द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। इसलिए इस चेंज की पूरी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बुलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेबल है, ऑर्गेनाइजेशनल है। ओके, यानी इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं कि कैसे सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, फिर वो किन किन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में चेंज हुआ, उनसे और कितने नए नए ऑर्गेनिजम्स बने। तो इस इवोल्यूशन की पूरी फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है उनके एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर यानी उनके पूर्वज से, और जिनकी वजह से उनमें काफी सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को हम इवोल्यूशन बुलाते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह इस लेसन का जो थर्ड पॉइंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इस थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में एक ऑर्गेनिज्म था और उस ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस होते रहे, उस चेंजेस की वजह से और अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बने, देन उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अगेन काफी सारे चेंजेस हुए, और इसी तरह चेंजेस होते रहे और अर्थ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते रहे। तो ये जो चेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअल चेंज होने की जो प्रोसेस है उसे हम इवोल्यूशन बुलाते हैं। देन हमने देखा कि अर्थ पे करीब करीब 3.5 बिलियन ईयर्स अगो कोई लाइफ नहीं थी। अर्थ पे जस्ट कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे, और अगर आप वो एलिमेंट देखें तो वो एलिमेंट था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये कुछ फ्रेंड्स बेसिक एलिमेंट्स थे जो अर्थ पे सबसे स्टार्टिंग में प्रेजेंट। इन सिंपल एलिमेंट्स से कुछ सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, फिर इन सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। और फिर इन्हीं एसिड्स की वजह से अर्थ पे जो सबसे पहला टाइप ऑफ सेल है वो बना, दैट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। नाउ ये जो सेल है इसके आसपास फ्रेंड्स ये ओशन, सबसे पहला सेल ओशन में बना। अभी आज अर्थ का जो ओशन है और उस टाइम अर्थ का जो ओशन था उसमें काफी डिफरेंस है। आज अर्थ के ओशन में पूरा वाटर है, बट उस टाइम अर्थ के ओशन में काफी सारे अलग अलग केमिकल्स थे, जिन केमिकल्स को यूज करके फ्रेंड्स वो सेल डिवाइड हुआ, और डिवाइड होते वक्त उस काफी सारे सेल्स में कुछ डिफरेंसेस आए। नाउ जो डिफरेंसेस एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट हो पाए उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ शो की, बट ऐसे चेंजेस जो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए वो पेरिश हो गए यानी खत्म हो गए। और यही प्रोसेस फ्रेंड्स काफी सारे सालों तक चलती रही। जो चेंजेस एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट होते थे वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे थे, बट जो चेंजेस एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे थे वो धीरे धीरे पेरिश होते जा रहे थे।
और इसी तरह फ्रेंड्स एनिमल्स और प्लांट्स में जो आप अलग अलग डाइवर्सिटी देखते हो, जैसे आज एनिमल्स में हमारे पास अमीबा से मैन तक या एक जाइंट वेल तक बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। और उसी तरह प्लांट्स में भी आप देखें तो एक सिंपल यूनिसेलुलर कोलेरा से बनियान ट्री तक हमारे पास अलग अलग ट्रीज हैं। और इवोल्यूशन से रिलेटेड हमेशा ह्यूमन को एक क्यूरियोसिटी रही है कि अर्थ पे सबसे पहले लाइफ कैसे बनी, आज अर्थ पे जो एनिमल्स है वो कैसे आए। तो इसी क्यूरियोसिटी का आंसर फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने ओरिजिन और इवोल्यूशन से रिलेटेड काफी सारी थेरीज बनाई और आज तक बन रही है। बट इनमें से जो सबसे बेस्ट थेरी है वो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते गए और उन चेंजेस की वजह से अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनते रहे। ओके नाउ इवोल्यूशन की ये जो थेरी है यही सेम थेरी और भी डिटेल में आप 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स मैंने आपको ये तो बता दिया कि एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ यानी उनमें चेंजेस आए, बट उन चेंजेस के लिए कुछ प्रूफ भी चाहिए। ओके बिकॉज साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एनिमल्स में इवोल्यूशन हुआ, तो यही सारी चीजों के प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।